कि कांग्रेस की आला कमान ने एक बड़ा मजबूत और उम्मीद वाला फैसला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के पक्ष में किया है, भाई पिताजी गुंडे को कैंडिडेट बनाकर। और ये लड़ाई ये एक चुनाव नहीं है, ये एक युद्ध है। कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो बिल्कुल गंगा की तरह शुद्ध हो जाता है। चुनाव में प्रभुलाल जी सैनी को जो 45,000 का शॉट मारा, उस शॉट से अभी ठीक से हम आश्चर्य से उभर भी नहीं पाए थे कि पेलाजी गुंजल को कांग्रेस का टिकट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर जो शॉट मारा और जिससे ओम बिरला की नींद उड़ चुकी है, ऐसी शख्सियत हमारे अशोक चांदना जी को मैं आवाज दे रहा हूँ कि वो आए और कार्यकर्ताओं में जोश भर। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और संपूर्ण हाड़ौती संभाग के लोकप्रिय नेता सम्मान्य प्रहलाद गुंजल जी, बूंदी जिले के वरिष्ठतम नेता और कांग्रेस पार्टी के मजबूत स्तंभ बूंदी के विधायक सम्मान्य हरिमोहन शर्मा जी, बूंदी जिले के जिला अध्यक्ष और बड़ी साफ छवि वाले नेता मेरे भाई सिर प्रेमी जी, हाड़ौती में कांग्रेस में सबसे ज्यादा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड रखने वाले और सबसे ज्यादा जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, देवरी, 5 जिले, ऐसे वरिष्ठ नेता सम्मान्य रामनारायण मीणा जी, जिला प्रमुख साहिबा, सभापति महोदय, तेज चलरात, पूर्व जिला प्रमुख जिनकी छवि उनके कपड़ों की तरह साफ, ऐसे कांग्रेस के नेता आदरणीय महावीर मीणा जी, सम्मानित मंच और बूंदी विधानसभा के कोने कोने से कांग्रेस पार्टी के नेतागण, नेतागण उसलिए बोल रहा क्योंकि अब सब नेता हैं। आज की तारीख में कार्यकर्ता नहीं बचा, केवल नेता ही बचा है। गांव का नेता, पंचायत का नेता, मंडल का नेता, ब्लॉक का नेता, जिले का नेता, संभाग का नेता, प्रदेश का नेता, देश का नेता और कोई कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता भी होते हैं। पांच सात दिन से जो उत्साह में कांग्रेस पार्टी के नेताओं में देख रहा हूं, इससे एक बात तो तय है कि कांग्रेस की आला कमान ने एक बड़ा मजबूत और उम्मीद वाला फैसला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के पक्ष में किया है, भाई पिताजी गुंडे को कैंडिडेट बनाकर। और ये लड़ाई ये एक चुनाव नहीं है, ये एक युद्ध है। युद्ध किस बात का है? ये देश को बचाने का युद्ध है भाइयों। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो अपने खून से आजादी लेकर भी अंग्रेजों को भगाया, उस आजादी को बचाने का ये युद्ध है। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुनहरे भारत का निर्माण किस प्रकार होगा, उस सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए यह देश का युद्ध। यहां कोई आम जनता नहीं है, सारे नेता हैं और आप आंखों से देख रहे हो कि देश में क्या हाल है। जो कंपनियां गांव गांव में बच्चों को,
जुए खिलाड़ी ऑनलाइन उन कंपनियों से भारत जनता पार्टी 1350 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड लेकर बैठी है, ये खुलासा हो चुका। तो ये तो तय हो गया कि आपके सगे नहीं है, ये आपके बच्चों के सगे नहीं है, ये इस देश के युवा के भविष्य के कभी सगे नहीं हो सकते जो जुआ खिलाने वाली कंपनी से कमीशन ले ले। ऐसे आदमी को नेता कैसे मान सकते? नशे के व्यापारी रोज 30,000 करोड़ की 3-3 लाख करोड़ की खेप कोर्टों के ऊपर पकड़ी जा रही है। गांव गांव में नशा इस देश में फैल गया। वो कोर्ट किसके हैं? वो कोर्ट अदानी के हैं, और अदानी किनका मित्र है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस देश की युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने का काम, इस देश की युवा पीढ़ी को जुए में धकेलने का काम इन 10 सालों में सुनियोजित तरीके के साथ केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। और अब ये सब जानते हुए किस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री को, एक ट्राइबल व्यक्ति इनसे बचा नहीं, उसको इस्तीफा देना पड़ा, नहीं तो वो जेल जाता। अनेक पार्टी कांग्रेस पर चाहते हैं, वो किस लिए? क्या लालच है कि चाहे पूरे देश बर्बादी की स्थिति में चला जाए, लेकिन हम हमारी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, इससे चिपक के रहना चाहते। अगर आप चिपके रहना चाहते हैं तो अच्छे काम करो, अच्छी नीतियां बनाओ, देश के भविष्य को सुधारो, शिक्षा के स्तर को सुधारो, जीवन स्तर को सुधारो, रोजगार के स्तर को सुधारो, विपक्ष को खत्म करने से नहीं हो। आज देश उस कगार पर खड़ा है कि एक बार अगर ये लोग जीत गए तो उसके बाद में इन्होंने मुसलमान भाइयों को डराने का काम किया, उसके बाद में सिख भाइयों को खालिस्तानी घोषित कर दिया, जो अभी हिंदू भारतीय जनता पार्टी में नहीं है उनको कह दिया कि तुम तो हिंदू ही नहीं है। अरे हम सर्टिफिकेट क्या भारतीय जनता पार्टी से लेंगे क्या? हमारे सर्टिफिकेट हमारे बाल दादा लगा के गए, जब हम पैदा हुए तो पूजा हुई थी, हर त्योहार के ऊपर पूजा होती है, मंदिरों की स्थापना में यज्ञ होती में हम लोग बैठते हैं, हमारे को किसी पार्टी से किसी नेता से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो हमारे को सर्टिफिकेट हमारे सब किसान भाइयों के बाप दादा देकर गए, शहर में जो भी रहते बाप दादा देकर गए। लेकिन आज देखिए कि क्या हालात है देश के, ऐसे हालात में ये चुनाव हो रहा है। आप समझिए मेरी बात, अपने लिए नहीं तो अपने परिवारों में, अपने गली में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जो छोटे छोटे बच्चे आप देखते हो उनके भविष्य के बारे में सोचो कि ये देश की दिशा में जा रहा है। कोर्ट को कोर्ट का काम नहीं करने दिया जा रहा, ईडी सीआईडी सीबी विपक्ष के ऊपर रोज अटैक कर रही है, और वही आदमी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो बिल्कुल गंगा की तरह शुद्ध हो जाता है। ये तो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन। मैं आपको कह रहा हूं हम जी कह रहे हैं अपने ऊपर मुकदमा भी लगा दी, तैयार हो जाओ, मुकदमे खाने पड़ेंगे, सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी जी भी जेल गए थे, पंडित नेहरू जी भी जेल गए थे, 10-12 साल की उम्र में इंदिरा जी भी जेल गई थी, अनेकों अनेक कांग्रेस के नेताओं ने सड़क पर उतर कर इस देश की आजादी को लड़ा। आज वही परिस्थिति आ गई। आप ये समझ लीजिए कि इस चुनाव में हम अपने अपने गांव, अपने अपने फूल को संभाले, अपने को फोकट नेतागिरी करने की जरूरत नहीं। वहां का चाहते जरा भाया देखो थांगे आड़ी का चाहते जरा आपको गांव सफर कैसे गांव को कहीं चाहते वो गांव का जाने से हर गांव में मजबूत कार्यकर्ता से कटे की खबर देवा की जरूरत कोई ना, अगर था वो गांव सुधरे तो पूरी धरती सुधरेगी। अच्छा
और बताओ कि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने जो फैसला किया उससे आपको हमको उम्मीद है कि नहीं? लाख दो लाख बीजेपी का प्योर वोट कांग्रेस में गिरेगा इस बार खुल्ला। आप लोगों ने पूर्व में आदेश किया कि अशोक चांदना को चुनाव लड़ना चाहिए, एक एक कार्यकर्ता आदेश हुआ, अनेकों ने फोन हुआ, लेकिन मैं इंदौली में हूं और यहां से कहीं एमपी बन जाता इंदौली में बाई इलेक्शन हो जाते तो बेईमान है, कैंडिडेट को कैबिनेट मंत्री बना के भेज देते। टीटी साहब की क्या हुआ बाद में जनता ने उनकी सीटी बजा दी, वो तो पर बात की बात। लेकिन हमने सब आदरणीय हरिवंश जी शर्मा ने, आदरणीय प्रेमी जी ने, आदरणीय सीनियर लीडर रामनारायण जी ने, जयपुर के बड़े बड़े नेताओं ने यह बैठकर चर्चा करी कि इस बार इस युद्ध को पूरी ताकत के साथ लड़ना है। बंधुओं ये याद रखना, क्या तो युद्ध में उतरा मत, कौन कहता डॉक्टर ने कहा राजनीति करने को, नहीं तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। बताओ क्यों अपना समय खराब करते हो, क्यों हम अपना समय खराब कर रहे थे? अगर हम राजनीति नहीं करेंगे तो हमारी शुगर बढ़ जाएगी क्या? लेकिन जब हम राजनीति कर रहे हैं और इस युद्ध में हमें मोर्चा संभाल लिया है तो ये याद रखना कि युद्ध में या तो विजय होती है या वीर गति होती है, बीच में कुछ भी नहीं होती। और आप आपका गांव, आपका बूथ कि सामने वाले कैंडिडेट जो है वो धनबल से बड़े सक्षम और लिफाफे क्योंकि वो आए गांव कावत है ना सावधानी नुक्ति पूरी बटी तो भारी कैंडिडेट आयो और लिफाफे नफे। लेकिन वो लिफाफा सु कोई सामान तो खरीद सकत, पीसा सु जमीन तो खरीद सकत, पीसा सु कोई गाड़ी तो खरीद सकत, लेकिन एक कांग्रेस कार्यकर्ता नेता को जमीन कभी भी लिफाफा सु खरीद न सका। इस मंच का माध्यम से वहां से बहुत प्रकार का दबाव होगा, लेकिन देश के बारे में सोच ली। आज एक बात बताओ, आपका जिन पर हाथ रखो कांग्रेस का सब नेता कहता है एक मंच को देकर था ना सुकून मिले, जगह न मिले, क्योंकि जब नेता लड़ा तो नेता को फाइन भगड़े, नुकसान कार्यकर्ता का हो जाए नुकसान हमेशा कार्यकर्ता को भुगतनी पड़े, जब गांव का नेता को भुगतनी पड़े। तो आज कांग्रेस पूरी एक आप लोगों की दिल के लिए और अब आप लोगों ने ताकत बताने की, एक महीना सब काम छोड़ दो, एक महीना यही सोचो एक एक घर पर चार बात करनी, एक एक महिला सु बुजुर्ग सु नौजवान सु आगे न करना से कहीं देश में बचा ले, यह व्यवस्था इतनी खराब हो जाओगी कि एक दिन सड़कों के ऊपर क्राइम होगा और थाना में केस दर्ज न होगा, ऐसी अव्यवस्था फैल जाओगी अगर यहां तक आप लोग मानक आज की तारीख को रोके हुए। तो आप सब लोग कई लोगों ने जब प्रहलाद जी को नाम आयो तो कई लोगों ने की यार अशोक चांदना तो गुजर जर, प्रहलाद जी भी गुजर जर, यो थोड़ी कांग्रेस पार्टी में गुजर लेता ना बताओ तो खाएंगे देखो गड़बड़ तो कर रहे माने ध्यान नहीं कोई ना कोई, मैं तो खुद आग्रह कर रहा था कि आप आओ, क्योंकि एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता छाए तो छाए जो का भरगा को चुनाव बिल्कुल फाइट होनी चाहिए, सब जीत वाला घोड़ा पर दबाव लगा दाव लगा वगैरह तैयार, कोई लंगड़ा घोड़ा पर दाव नहीं लगा दुनिया में, जो घोड़ो जीतोगे ना खूको पर सब दाव लगा बचाओ। और कांग्रेस को कार्यकर्ता चाहे कोटा जिला को चाहे बूंदी जिला को हर कार्यकर्ता तैयारी में दो तो माने कि यहां जीत वाड़ो घोड़ो ही दो। और देखो यहां बाकी चार दिन आज की तारीख में मसूद एक बुजुर्ग आदमी ने एक बार कही बेटा ताकतवर आदमी हो तो टकरा जाए,
पर कोई को भाग्य चमक रहे हो उसको कभी मत टकरा दे, तू खुद ही रपट पड़ जाओ, तारो मालो टूट जाओ। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, इनका भाग्य चमक रहा है, हर दिन के साथ में माहौल उठ रहा है, गांव में उत्साह है, कांग्रेस का एकता का हौसला बुलंदी पर है। इस बार वो जो मीठी गोली देते हैं, जनता उनको मीठी गोली देने वाली है। तैयार हो जाओ। और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये चुनाव युद्ध की तरह लड़ो, और आप सब में जीतने की क्षमता है। दो बार हार गए, कितनी बार आ रही, कितनी बार आ रही, थकते नहीं क्या हारते आप? मैं तो मेरे विधानसभा चुनाव था, तीन चुनाव लड़े, मेरे तो दिमाग, मेरे को नींद नहीं आती 12 महीने की। 2023 में 12 महीने नींद नहीं आई मुझे, क्योंकि मैं जब लड़ता हूं तो फिर लड़ता हूं, फिर मैं रुकता नहीं। तो ऐसे आप लोगों को लड़ना कि इस बार मेरा बूथ और मेरी पंचायत, किसी का इंतजार नहीं करना कि साहब पुराने के आवाज जाए तो मोटरसाइकिल में बैठ जाऊंगी, इंतजार नहीं करना। पार्लियामेंट बहुत बड़ी है, एक कैंडिडेट है, लगभग 500-700 तो पंचायत है, 200-300 वार्ड है, कैंडिडेट खा कर जाओ कर जी साहब मांग तो ऊपर ला दिन सी तो फोन ही ना करियो जो मां के शाम आ रहा। अरे कहीं बोल रहे, अपने लिए भागो, कांग्रेस पार्टी के लिए भागो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो तभी 50-70 का चुनाव जीते हो आयो। अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी तो अपन सरपंच पंचायत राज में फिर बाद में 6 महीना मारे हो जाए प्रधान प्रमुख कैसा बनेगा भाई? अब आप कमजोरी छोड़ देना तो 6 महीना में आपने वो बारी रहेगा, बात जीत गया तो वो बारी बारी में 6 महीना पंचायत राज कर जाओ। तो आप समझो या ये विजयी साइकिल से आप लोगों ने तीनों सीट कांग्रेस की जिताई से एमपी भी जिताओ और पंचायत राज भी जिताना, ताकि विरोध के समय में आपने ध्यान इनको उनको राजा आपने आपको राज में कुछ चिंता आप सब यहाँ पधारे बातों नेता कहा तो माइक लागनी चाहिए, फिर अपने आप दिमाग में रिचार्ज जाओ तो अब मैं रोकूंगा, क्योंकि वरिष्ठ नेता बोलेगा प्लाजी का आगे काफी दौरा है। आप सब लोग चुनाव तक 26 तक चैन से सुनो, कोई ना अपनों घर को काम कर लो, कोई ना कुण कुण एक महीना ये आओ यत्माओं के दिमाग में तैयार से वो हाथ खड़ा कर विश्वास दिलाओ, कुण कुण तक आपको फच वाला ना देगा तो भैया सब लोग दो नारा लगाऊंगा, दो नारा नारा मत ध्यान पड़नी चाहिए कितनी मजबूती जरूरत।